ओह, अरे नहीं, यह वीडियो डीसी के सुपर हीरो फ्लैश के बारे में नहीं है। यहाँ हम स्पीड की बात कर रहे हैं और जानेंगे जंगल के रफ्तार के राजा के बारे में। स्पीड 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 वर्तमान समय में सफलता का सबसे प्रमुख आधार आपकी स्पीड ही तो है। स्पीड सभी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वन्य जीवों में तो स्पीड उनकी जिंदगी और मौत का कारण बनती है। सभी भागते ही रहते हैं, चाहे कोई भी हो। स्पीड का महत्व हारने और जीतने वाले दोनों को पता होता है। किसी भी युद्ध में उसी का पलड़ा भारी रहता था जो अपनी रफ्तार से अपने सामने वाले प्रतिद्वंदी को चौंका दे। द फ्लाइंग सिख के नाम से स्वयं की पहचान बनाने वाले भारत के जीव मिल्खा सिंह को उनकी स्पीड के कारण ही दुनिया भर में पहचान मिली। मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को हुआ था, जिन्होंने रोम के 1960 के ग्रीष्म ओलंपिक और टोक्यो के 1964 के ग्रीष्म ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उन्हें उड़न सिख उपनाम दिया गया था और वे भारत के सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ एथलीट्स में से एक थे। वे एक राजपूत सिख परिवार से थे और भारत सरकार ने 1959 में उन्हें पद्मश्री की उपाधि से भी सम्मानित किया। वर्ष 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर फाइनल में मिल्खा सिंह 32 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से दौड़े थे और वे जब दौड़ते थे तो यूरोपीय और अमेरिकी एथलीट उनकी गति से मेल खाने के लिए संघर्ष करते थे। ऐसे ही उसैन बोल्ट, जिनका जन्म 21 अगस्त 1986 को हुआ था, जमैका के अंतर्राष्ट्रीय धावक और 8 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। वे विश्व रिकॉर्डधारी हैं और कई ओलंपिक रिकॉर्ड भी बोल्ट के नाम हैं। 2011 में बेल्जियम के वैज्ञानिकों ने उस वर्ष सितंबर में आयोजित 100 मीटर दौड़ के विभिन्न चरणों में बोल्ट के प्रदर्शन को मापने के लिए लेजर का इस्तेमाल किया और उन्होंने पाया कि दौड़ में 67.13 मीटर की दूरी पर बोल्ट 43.99 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति तक पहुँच गए थे। इस खिलाड़ी और इसकी रफ्तार को सल्यूट है। जंगल में जंगल का कानून चलता है। वहाँ पर शिकार जानवर अपनी जान बचाने के लिए भागता है और शिकारी जानवर अपनी भूख मिटाने के लिए भागता है। दोनों में से वही कामयाब होता है जो ज्यादा स्पीड से दौड़ने में सक्षम होगा। चीता अपनी तेज रफ्तार के लिए ही पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जानवरों की दुनिया का हुसैन बोल्ट कहा जाने वाला जीव चीता है। आप इसे देखेंगे तो यही कहेंगे कि यह तो हवा में उड़ रहा है। अपनी बुलेट जैसी स्पीड के कारण कोई भी जानवर इससे बचकर भाग नहीं सकता। यह जानवर मुख्यतः अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है और ईरान के कुछ हिस्सों में भी चीता पाया जाता है, लेकिन एशिया के चीते अफ्रीका के चीतों से थोड़े छोटे होते हैं। चीता के अंदर एक कमी है कि यह शेर और टाइगर की तरह दहाड़ नहीं सकता। इसकी आवाज से तो कोई डरने वाला नहीं है, लेकिन इसकी रफ्तार से हर किसी को डरना पड़ता है। आखिर ऐसी क्या बात है चीता में जो यह इतनी तेज दौड़ लगा लेता है? क्यों आखिर कोई भी जानवर इसे स्पीड के मामले में हरा नहीं सकता? आज की वीडियो में हम चीता के अन्य जानवरों के साथ कुछ मुकाबले और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चीता इतना तेज कैसे दौड़ लेता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। आप यकीन नहीं करेंगे कि जमीन पर रहने वाला ये सबसे तेज जानवर है जो एक छोटी सी छलांग में लगभग 120 किमी प्रति घंटे तक की गति प्राप्त कर लेता है और एक दौड़ में यह 460 मीटर तक की दूरी तय कर सकता है और मात्र 3 सेकंड के अंदर ये अपनी रफ्तार में 103 किलोमीटर प्रति घंटे का इजाफा कर लेता है जो अधिकांश सुपरकार की रफ्तार से भी तेज है। चीता की एवरेज स्पीड तो लगभग 70 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ही होती है, पर कभी कभी बहुत जरूरी होने पर ही यह फ्लैश बन जाता है और बहुत तेज भागता है। चीते की प्रजातियों को ग्रीक भाषा में एसिनोनिक्स कहते हैं, वहीं लातिन भाषा में इसकी जाति को जुबेटस कहते हैं। एक चीता की लंबाई 1.1 मीटर से 1.4 मीटर तक हो सकती है और चीते का वजन 34 से 54 किलोग्राम एवं पूंछ की लंबाई 65 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। लंबाई में इनकी औसत हाइट 32 इंच तक रहती है। दुनिया में लगभग 7,000 चीता हैं, जिसमें ज्यादातर अफ्रीका में पाए जाते हैं।
भारत में चीता नहीं पाए जाते क्योंकि चीता सन 1952 से भारत में विलुप्त हो चुके हैं और एशिया में केवल ईरान में लगभग 50 एशियाटिक चीता पाए जाते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर यह चीता इतनी तेज रफ्तार से दौड़ कैसे लेता है, तो एक चीता की बिजली जैसी रफ्तार का कारण उसकी एरोडायनेमिक बॉडी है, जिसकी वजह से कम घर्षण पैदा होता है। जब चीता अपनी उच्चतम स्पीड से दौड़ रहा होता है तो वह एक छलांग में 6 से 7 मीटर यानी 21 फीट की दूरी तय कर रहा होता है, जो कि लाजवाब है। इस हिसाब से चीता 100 मीटर की दूरी मात्र 16 कदम में पूरी कर सकता है। आप सोचेंगे कि चीता इतनी लंबी छलांग कैसे लगाता है, तो इसका कारण चीते के कालर बोन की अनोखी बनावट है। चीते की कालर बोन उसके शरीर के मुख्य अस्थि पंजर से नहीं जुड़ी होती, जो शरीर को पूरी लंबाई में फैलने में सक्षम बनाती है। चीता की स्पीड तो अद्भुत है, लेकिन चीता अपनी टॉप स्पीड पर 20 सेकंड से अधिक नहीं दौड़ सकता है, क्योंकि इतना फास्ट दौड़ने की वजह से उसकी हृदय की गति इतनी तेज हो जाती है कि ऐसी एक दौड़ के बाद उसे 30 मिनट का आराम करना पड़ता है। इस आराम के बाद ही वह दोबारा शिकार का पीछा कर पाता है। चीता अपनी एक दौड़ के कुल समय का आधा समय हवा में ही रहता है और चीता के पूंछ की लंबाई उसके शरीर की लंबाई के आधे से ज्यादा होती है, जिससे यह पूंछ उसे दौड़ते समय अचानक शार्प टर्न लेने में मदद करती है। असल में चीता और रेसिंग कार की 100 मीटर रेस में रेसिंग कार ही जीतेगी, लेकिन त्वरण अर्थात एक्सीलरेशन की बात की जाए तो दुनिया की कोई भी कार चीता का मुकाबला नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि चीता और कार की रेस के शुरुआत में चीता ही आगे होगा, लेकिन बाद में रेसिंग कार स्पीड पकड़ लेगी और आगे निकल जाएगी। चीता एक झटके में 112 से 128 किलोमीटर प्रति घंटे का एक्सीलरेशन पैदा कर सकता है, जो कि किसी भी कार के बस के बाहर की बात है। चीते की बॉडी की कुछ शारीरिक सीमाएं हैं। जब चीता एकदम से 0 से 96 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ता है तो उसके शरीर का तापमान 15 सेकंड दौड़ने के बाद 43 डिग्री तक बढ़ जाता है। इसकी वजह से चीते को अपनी स्पीड धीमी करनी पड़ती है, नहीं तो हृदय गति और ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। चीता की रचना कुछ इस प्रकार से हुई है कि यह काफी तेज दौड़ने में सक्षम होता है। इसके तेज दौड़ने के कारणों में से एक इसका वृहद नासाद्वार और इसमें एक विस्तृत दिल और फेफड़े भी होते हैं, जो ऑक्सीजन को कुशलतापूर्वक परिचालित करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं। जब यह शिकार का तेजी के साथ पीछा करता है तो इसकी श्वास दर प्रति मिनट 60 से बढ़कर 150 हो जाती है। अर्ध सिकुड़न योग्य नाखून होने के कारण यह जमीन पर पकड़ के साथ यह दौड़ सकता है। चीता अपनी पूंछ का उपयोग एक दिशा नियंत्रक के रूप में करता है, अर्थात स्टीयरिंग के तौर पर करता है, जो इसे तेजी से मुड़ने की अनुमति देता है, और यह शिकार पर पीछे से हमला करने के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि शिकार अक्सर बचने के लिए शार्प टर्न का प्रयोग करते हैं। चीता ऐसा शिकार चुनता है जिससे कि कम दूरी तक दौड़ना पड़े, क्योंकि कम दूरी में उसकी स्पीड को कोई टक्कर नहीं दे सकता। चीता जानता है कि वो बहुत देर तक नहीं दौड़ पाएगा, इसीलिए वो घात लगाकर दिन में शिकार करता है, क्योंकि वो रात में शिकार करने वाले जानवरों जैसे शेर, तेंदुआ, लकड़बग्घा आदि से शिकार के लिए कॉम्पिटिशन नहीं कर सकता। मादा चीता एक बार में 2 से 8 बच्चों को जन्म देती है और उनकी 16 महीने से 24 महीने तक देखभाल करती है, जब तक कि वो खुद से शिकार करने लायक न हो जाए। चीता ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। अक्सर चीते दो तरह के ग्रुप में पाए जाते हैं, एक जिसमें एक माँ और बाकी उसके बच्चे होते हैं। दूसरे तरीके का ग्रुप कुछ नर चीतों का होता है, जो साथ में शिकार करते हैं। दिन के समय चीता की नजर बहुत तेज होती है और ये 5 किलोमीटर दूर से शिकार को देख सकता है। चीता दिन का शिकारी है और यह या तो सवेरे के समय शिकार करता है या फिर देर शाम को। ये ऐसा समय होता है जब न तो ज्यादा गर्मी होती है और न ही अधिक अंधेरा होता है। माना जाता है कि खूंखार जानवरों में चीता ही एक ऐसा जानवर है जिसे आसानी से पालतू बनाया जा सकता है। सुमेरियन सभ्यता के लोग चीते को पालतू बनाकर रखते थे और शिकार करने में इनकी मदद लेते थे। चीते बिल्लियों की तरह गुर्राते हैं, फुफकारते हैं, मगर खास बात यही है कि वो दहाड़ नहीं पाते और लगभग 18 मिलियन वर्ष पहले ये अस्तित्व में आए थे। अब इस स्पीड किंग की अन्य जानवरों से मुकाबलों को देखते हैं। चीता वर्सेस एंटलोप अर्थात मृग या हिरण या प्रांगहॉर्न।
एंटलोप कहे या मृग या हिरण या प्रांगहॉर्न कहे, यह सभी एक ही प्रजाति के जीवों के नाम है। यह एंटीलोप नाम फ्रांसीसी एंटीलोप से लिया गया है, जिसका अर्थ है सुंदर आंख या जानवरों की आकर्षक लंबी पलक है। इसलिए यह जानवर अपनी आंखों की सुंदरता के लिए काफी चर्चित है। ये जानवर अपने कंधे तक लगभग 25 से 35 इंच ऊंचे होते हैं। इन जानवरों के पैर हल्के नुकीले होते हैं तथा इनके दौड़ने की क्षमता काफी अधिक होती है, जो आमतौर पर 67 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय कर सकते हैं। इस जानवर को जिम्बाब्वे के राष्ट्रीय पशु के रूप में भी जाना जाता है। एक हिरण लगभग 60 मील प्रति घंटे तक दौड़ सकता है, जो उन्हें दुनिया का दूसरा सबसे तेज रफ्तार वाला जानवर बनाता है, जबकि चीता लगभग 61 मील प्रति घंटे के हिसाब से दौड़ता है, जो चीते के बाद दूसरा सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। हिरण अपनी गति को अधिक समय तक बनाए रख सकता है, लेकिन चीता नहीं, इसलिए यह लंबी दौड़ में चीते को हरा सकता है। यहां 20 सेकंड की जिंदगी और मौत की रेस होगी। अगर इतने समय में चीता हिरण को नहीं पकड़ पाता तो वह बचकर भाग सकता है, नहीं तो हिरण तो गया काम से। जब हिरण चीते को देखता है तो यही गाना गाता है कि चीता वर्सेस क्रोकोडाइल। खारे पानी के मगरमच्छ दुनिया में सबसे बड़े सरीसृप हैं। वे 6.17 मीटर लगभग 20 फीट 3 इंच तक बढ़ सकते हैं और 1 टन से अधिक वजन के हो सकते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक चीता नदी किनारे पानी पी रहा था, तभी एक विशालकाय मगरमच्छ बिना किसी हलचल के आता है और चीते पर टूट पड़ता है। चीता अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन मगरमच्छ की इतनी मजबूत पकड़ है कि दुनिया का सबसे फुर्तीला जानवर बेबस दिखाई पड़ता है और मगरमच्छ चीता को दबोचकर सीधा पानी में ले जाता है। यहाँ मगरमच्छ विनर है। शायद चीता यही कह रहा होगा कि चीता वर्सेस लायन। सारा शहर मुझे लायन के नाम से जानता है। जंगल के अपने कायदे कानून हैं। यहाँ अगर जिंदा रहना है तो किसी न किसी का मरना जरूरी है। शिकारी कब खुद किसका निवाला बन जाएगा, यह बता पाना असंभव है। जंगल की दुनिया में चीता को बेहद क्रूर शिकारी माना जाता है। ये पलक झपकते ही अपने शिकार को दबोचकर उसका काम तमाम कर देता है। लेकिन शेर तो आखिर शेर है, उसके आगे यहाँ किसी की नहीं चलती। यही वजह है कि उसे जंगल का राजा कहा जाता है। यह बाघ के बाद दूसरी सबसे बड़ी सजीव बिल्ली है। शेर का वजन 150 से 250 किलो तक होता है। पूंछ को छोड़कर शेर की लंबाई 2.6 से 3.3 मीटर तक होती है और शेर 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दौड़ सकता है। शेर 2 साल की उम्र से ही दहाड़ना शुरू कर देता है। चीता और शेर दोनों ही बेहद खूंखार और क्रूर शिकारी हैं। ये किसी भी जानवर को पलक झपकते अपना शिकार बना सकते हैं, लेकिन कई मर्तबा ये दोनों ही जानवर आपस में ही भिड़ जाते हैं। चूंकि चीता खूंखार होने के साथ ही फुर्तीला भी होता है, इसलिए ये अंदाजा लगा पाना मुश्किल होता है कि इसमें जीत किसकी होगी। हालांकि शेर के चंगुल में आने के बाद किसी का भी काम तमाम होना तय है, अतः यहाँ शेर ही जीतेगा। हालांकि शेर चीते को भाग कर पकड़ नहीं सकता। चीता वर्सेस चीता। कई बार चीतों को आपस में लड़ते हुए देखा गया है। वैसे इनका आपस में लड़ना बेकार है, क्योंकि यह एक दूसरे के शिकार के लिए तो लड़ते नहीं है। शायद यह लड़ाई की प्रैक्टिस कर रहे हैं और यह थोड़ी देर लड़ने के बाद अलग अलग होकर विपरीत रास्तों पर चले जाते हैं। और हो सकता है कि शायद इनका खाना हजम नहीं हुआ है तो यह आपस में लड़कर उस खाने को पचा रहे हैं। चीता वर्सेस सांप। क्या होगा जब चीता और एक जहरीला सांप आमने सामने आ जाए? तो हमारी पृथ्वी पर कई सारी प्रजाति के सांप पाए जाते हैं। यह निर्भर करता है कि चीता का मुकाबला किस तरह के सांप से है। यदि सांप जहरीला है तो फिर तो वह चीता को आसानी से डस कर मार देगा। यहाँ सांप के लिए उसका जहर उसका सुरक्षा कवच है, और यदि सांप जहरीला नहीं है तो निश्चित तौर पर चीता उसे मार देगा। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि सांप ने चीता को अपने जबड़ों में पकड़ लिया है। चीता की शरीर की क्षमता इतनी नहीं है कि वह सांप के जहर से उसे बचा ले।
इन दोनों की लड़ाई में जो भी पहले हमला करेगा उसके जीतने के चांसेस ज्यादा है। चीता भी एक बार में ही अपने पंजे के प्रहार से सांप का काम तमाम कर सकता है। चीता वर्सेस ओस्ट्रिच अर्थात शुतुरमुर्ग। चीता अकेले शुतुरमुर्ग का शिकार करने में कामयाब नहीं हो पाता है। चीता लगभग 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। वहीं धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाली पक्षी शुतुरमुर्ग है और शुतुरमुर्ग 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी तेज दौड़ सकता है। दरअसल इस वीडियो में एक शुतुरमुर्ग पर तीन तीन चीतों ने हमला कर दिया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि दो शुतुरमुर्ग किसी जंगल में टहल रहे होते हैं। इस बीच वहां पर तीन चीते आते हैं और चीतों को देखकर शुतुरमुर्गों की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले जीव सबसे तेज दौड़ने वाले पक्षियों पर धावा बोल देते हैं, लेकिन आज शुतुरमुर्ग का बैड लक खराब है। चीता वर्सेस हाथी। हाथी पृथ्वी पर मौजूद सबसे विशाल जानवरों में से एक है और इसे धरती का सबसे ताकतवर जानवर भी माना जाता है। आमतौर पर यह एक शाकाहारी जंगली जीव है। यद्यपि हाथी एक शांत स्वभाव का जीव है, लेकिन जब इसे परेशान या फिर इस पे हमला किया जाए तो यह काफी खतरनाक बन जाता है। यह 100 से 120 वर्षों तक जीवित रह सकता है और यह ऊंचाई में 10 फीट से ज्यादा भी हो सकता है। झुंड में आए चीतों से किसी भी जीव का बच पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हाथी भी झुंड में रहते हैं और ऐसी स्थिति में वह चीता की अकल ठिकाने लगाने में देर नहीं करते। वैसे भी यहाँ हाथी ही जीतेगा। चीता वर्सेस लकड़बग्घा। लकड़बग्घा को इंग्लिश में हाइना भी कहते हैं और लकड़बग्घा बड़े आकार का कुत्ते की तरह दिखने वाला एक मांसाहारी जानवर है। जब कोई लकड़बग्घा अपने शिकार पर हमला करता है तो उनके मुंह द्वारा लगाई गई ताकत किसी भी जानवर की हड्डी भी तोड़ सकती है। यह एक दुष्ट जीव है। झुंड में लकड़बग्घा चीता पर भारी पड़ते हैं, लेकिन चीते भी झुंड में हो सकते हैं। अतः यहाँ विजेता कौन होगा यह तो कहना बहुत मुश्किल है। दोस्तों आप ही बताइए कि यहाँ कौन जीतेगा। चीता वर्सेस बबून। बबून लंगूर की ही एक प्रजाति है। बबून लंबाई में 47 इंच और वजन में 40 किलोग्राम तक होते हैं। सभी बबून के पास लंबे कुत्ते की तरह के तेज कैनाइन दांतों के साथ भारी शक्तिशाली जबड़े, उनके मुंह को छोड़कर मोटी फर और छोटी पूंछ होती है। जब भी चीता और बबून एक दूसरे के सामने आते हैं, चीता बबून और बबून चीता पर हमला करता है। जब बबून का एक समूह चीता को अकेला देखता है तो वे उस पर हमला करते हैं और खतरनाक दिखने वाला चीता खुद की जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है। चीता और बबून की असली लड़ाई में चीता को भी अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। हालांकि चीता बबून पर हावी है, अतः यहां विजेता कौन होगा यह तो कहना बहुत मुश्किल है। दोस्तों आप ही बताइए कि यहां कौन जीतेगा। चीता वर्सेस ईगल या पेरेग्रिन फाल्कन। पेरेग्रिन फाल्कन का सबसे बड़े लंबे नुकीले पंखों और लंबी पूंछ वाला सबसे बड़ा बाज है। इसका हिंदी में मीनिंग घुमंतू बाज होता है। शिकार करते वक्त पेरेग्रीन बाज की उड़ान की गति से मेल खाने वाला कोई भी पक्षी अब तक ज्ञात नहीं है। पेरेग्रीन बाज सबसे तेज पक्षी के साथ साथ पृथ्वी पर सबसे तेज डाइव लगाने वाला जीव भी है। पहले पेरेग्रीन बाज बहुत ऊंचाई तक उड़ान भरता है, फिर 200 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से डाइव करता है। पेरेग्रीन फाल्कन अधिकतम 390 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से उड़ सकता है। यह स्पीड एक बुलेट ट्रेन की तरह है। ये बाज दुर्जेय शिकारी होते हैं जो उड़ान के बीच में अन्य पक्षियों और चमगादड़ों का शिकार करते हैं। पेरेग्रिन ऊपर से शिकार करते हैं और अपने शिकार को देखने के बाद खड़ा गोता लगाकर उसका शिकार कर लेते हैं। यह चीते को तो नहीं लेकिन उनके बच्चों को अपना शिकार बना लेते हैं। यहाँ हार जीत का तो सवाल ही नहीं उठता, बस चीते को अपने बच्चों को इस ईगल से बचाकर रखना होगा। आप वीडियो में देखें कि किस प्रकार एक मादा चीता इस ईगल से अपने बच्चे को बचाने में कामयाब होती है। चीता वर्सेस जेब्रा। जेब्रा या जेब्रा अफ्रीका में पाया जाने वाला एक जानवर है जिसे इसके शरीर पर बनी सफेद और काली धारियों से पहचाना जाता है। आनुवंशिक तौर पर जेब्रा घोड़े और गधे का करीबी रिश्तेदार है, लेकिन इसे घोड़े और गधे की तरह पालतू नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि यह स्वभाव से हमलावर होता है। जेब्रा का शरीर असल में काला होता है जिस पर पड़ी पट्टियां सफेद होती हैं। अगर कोई चीता
जेब्रा पर हमला करता है तो इसका परिवार तुरंत उसकी सहायता के लिए आ जाएगा और घायल जेब्रा को चारों ओर से घेरकर चीते को भगाने की कोशिश करेगा। फिर भी कई बार जेब्रा का शिकार चीतों द्वारा हो जाता है। ज्यादातर तो जेब्रा समूह में रहकर एक दूसरे की मदद से बच जाते हैं। चीता वर्सेस वाइल्ड कैट। वाइल्ड कैट इसे सेरवल के नाम से जाना जाता पर शेयर कर सकते हैं। इसी तरह की जानकारी भरे वीडियोस की सूचना सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Bacho, 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 b